मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइमर स्विच है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक टाइमर स्विच है, उसके नीचे एक कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसके अंदर हम जो भी चीज़ लगाएंगे, तो जैसे हम स्विच के साथ लगाते हैं वैसी लगेगी इसके अंदर। तो बेसिकली हम इसके साथ जो है सीरीज़ में लगाएंगे चीज़ जो भी होगी। तो मैं इसके लिए इसमें आपको प्लग लगा के दिखाऊँगा। तो एक मेरे पास ये प्लग है, एक साइड पे इसके मतलब प्लग लगा हुआ है और एक मतलब तार है दूसरी साइड पे, ये लगी हुई है। और एक मेरे पास ये प्लग है जिसके अंदर कोई भी चीज़ लगाई जा सकती है, प्लग वगैरह। तो ये जो प्लग है, इसके जो दो तार हैं यहाँ पे, इसकी जो एक तार है वो जो है हम जो है सीरीज़ में हमने लगाना है। तो इस तरीके से होगा कि एक तार जो इसके अंदर लगी हुई है, ये सपोज़ लाल वाली जो तार है, इसको हम इसके किसी एक कनेक्टर पे लगा देंगे, सपोज़ इस वाले पे लगा देंगे। तो इसको पहले मैं इसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये पहले वाले में मैं लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपके, मैंने पहला वाला लगा दिया इसमें। उसके बाद सीरीज में लगाने के लिए एक जो मैं तार है, ये एक मैं अलग से तार यूज़ कर रहा हूँ, ये तार है पूरी, वो जो है मैं इसके जो दूसरा कनेक्टर है ऊपर वाला, उस कनेक्टर के अंदर लगा दूँगा। यह देख सकते हैं दोनों तार मैंने लगा दिए हैं। अब जो दो तार हैं इसके अंदर जो इसके अंदर जो ये वाली दोनों तारें बची हैं, ये दोनों, इन दोनों को मैं इसके अंदर लगा दूँगा, ये जो आपको दिख रहा है। ये इसके जो कनेक्शन है ये पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अडॉप्टर है मेरे पास 12 वोल्ट का। तो इसके अंदर मैं ये इसको लगा दूँगा, उसके बाद जो है इसे मैं प्लग में लगा दूँगा, उसके बाद मैं प्लग खोलूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस ऑन हो चुकी है, और इसमें दो बटन है, एक रीसेट का एक ऑन का है। ऑन से टाइमर सेट हो जाता है और रीसेट से जो है वो बंद हो जाता है, और इससे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये टाइम है मिनट्स में, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 65 और 75, यानी 1 घंटा 15 मिनट तक चला सकते हैं। और जब ये पूरा ऐसे होगा तो ये 5 सेकंड या 2 सेकंड के लिए चलेगा। देख सकते हैं मैंने ऑन का बटन दबा दिया तो ये बंद हो गया। उसके लोड में जो आपको चला के दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये एक पंखा है, इसको मैं लगाऊंगा।
और ये जो मैंने प्लग लगाया है इसके अंदर ये लगा दूँ। जो दूसरी साइड प्लग था वो मैंने प्लग में लगा दिया है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये प्लग मैंने लगा दिया है इसका। तो ये जो पंखा आपको दिख रहा है 12 वोल्ट वाला, ये आपको चलता हुआ दिखेगा इसमें से जब मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑन का बटन दबाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि पंखा चल चुका है, और ये मतलब 5 या 2 सेकंड के लिए चल के बंद हो गया है पंखा। और आप इसमें मतलब टाइम एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको घुमाएंगे और ये जो पहला डॉट है ये 5-5 के डिफरेंस से डॉट हैं, तो पहले डॉट में जब मैं करूँगा इसको तो ये 5 मिनट के लिए चलेगा, और यहाँ 10 पे करूँगा तो 10 पे चलेगा। तो 5 पे मैं चलाता हूँ तो देख सकते हैं आपके पंखा चल गया। यार देख सकते हैं पंखा चल गया है, और ये अब 5 मिनट के लिए 5 मिनट तक चलता रहेगा। और ये रीसेट का जब मैं बटन दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो है ये बंद हो जाएगी, मतलब ये बंद हो गया। तो ये 800 वाट तक संभाल सकता है। आप इस 800 वाट का इस कनेक्टर पे लोड लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा लोड इस पे चलाना है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर या बड़ी रिले इस्तेमाल करनी होगी, तो उस पे आप चला सकते हैं। इस पे आप आधे हॉर्स पावर या पौने हॉर्स पावर वाली पंप भी चला सकते हैं अगर टाइमर आपने लगा कर चलाना है तो।